हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास सिक्स के साइंस की और चैप्टर चल रहा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी पदार्थों का पृथककरण करना। हम यहाँ पर सीख रहे थे जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स पर और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पर हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली थी। आज के सेशन में कुछ और क्वेश्चंस पर बात करेंगे। होमवर्क में मैंने क्वेश्चन दिया था, व्हाट इज फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन आपका क्या है, तो ये आपने किया होगा। ठीक है, बताओ किया है। चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, राइट वेरियस मेथड्स ऑफ राइट वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेशन राइट वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ कॉम्पोनेंट्स फ्रॉम देयर मिक्सचर। ठीक है, विभिन्न पृथक्करण विधियों के नाम बताइए। ठीक है, बताओ। अभी इतने सारे तो आपने क्वेश्चन आंसर्स में लिख लिए, बाकी आपने पढ़े थे। क्या क्या मेथड्स हैं? सबसे पहले हैंड पिकिंग था आपका। ठीक, फिर क्या पढ़ा था? थ्रेसिंग आपने देखी थी। ठीक है, और बताओ। विनोइंग था। सेडिमेंटेशन, और डिकेंटेशन, और फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन, और इवेपो रेशन। लिख लो। हस्त चयन, ठीक है, और थ्रेसिंग, मढ़ाई भी कहा जा रहा था, और विनोइंग, ओसाई या निष्पावन भी आपने इसके लिए कहा। सेडिमेंटेशन आपका अवसादन, और डिकेंटेशन क्या था? निस्तारण, और फिल्ट्रेशन निस्यंदन। ठीक है, इवेपोरेशन वाष्पीकरण। क्या बचा? जल्दी बताओ क्या बचा। सीविंग, यानी कि चालन। ओके, और क्या था? सेंट्रीफ्यूगेशन होता है एक आपका।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मेंशन मेथड, मेंशन द मेथड दैट कैन बी यूज्ड फॉर दैट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दैट कैन बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑफ दी फॉलोइंग मिक्सचर्स। ठीक है, मेंशन द मेथड निम्नलिखित मिश्रणों को पृथक करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियां बताइए। ठीक है, चलिए सीधा हम आंसर लिख लेते हैं, जिसमें कि पहला है आपका, फर्स्ट है कोकोनट ऑयल एंड वाटर। ऑयल कोई सा भी हो, ऑयल क्या करेगा आपका, एक अलग लेयर फॉर्म कर देगा, ठीक है ना, वाटर के साथ मिलने पर, या वाटर और ऑयल जो है वो अलग अलग आपका लेयर्स फॉर्म करते हैं, तो उनके लिए आप सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। ऑल्दो आपने डिकेंटेशन भी पढ़ा है, लेकिन आपको अगर अच्छे से करना है तो सेपरेटिंग फनल आप यूज करेंगे। ठीक है ना, चलिए तेल और जल, इसके लिए आपने क्या यूज किया, पृथक्कारी की। ठीक है, दूसरा लिखो, दूसरा लिखिए, वीट एंड हस्क। ठीक है, गेहूं और भूसा, इन दोनों का मिश्रण है, तो इनको किससे अलग किया जाता है बताओ, विनोइंग से। यानी ओसाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आयरन पाउडर एंड सॉडस्ट। लोहे का चूर्ण और लकड़ी का बुरादा। देखो ये सपोज लोहे का चूर्ण है आपका, ठीक है, और इसके साथ आपका लकड़ी का बुरादा मिक्स है,
अलग अलग कलर से मैं दिखा रही हूँ। ये ब्लू कलर में जो दिखाया ये लकड़ी का बुरादा है, जो पिंक कलर का है वो क्या है, लोहे का चूर्ण है, ठीक है ना। इधर इन्होंने एक क्या करेंगे, कैसे अलग करेंगे पहले बताओ। सपोज दोनों का पार्टिकल साइज भी सेम है आपका, ठीक है, विनोइंग से भी अलग नहीं हो पा रहे हैं बहुत अच्छे से, तो आप कैसे इनको अलग करेंगे। पार्टिकल साइज सेम है तो आप चालन यानी सीविंग का प्रयोग नहीं कर सकते कि आप उसको चलनी का प्रयोग करके अलग अलग कर लें। तो यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज देखी जाती है। लोहे की प्रॉपर्टी है चूंकि मैग्नेट यानी कि चुंबक के प्रति आकर्षित होने की, ठीक है ना। तो एक चुंबक इसके पास ले जाएंगे और चुंबक ले जाने से क्या होगा, जितने भी ये पिंक कलर के क्या है, ये आयन है, लोहा है आपका, ठीक है ना, ये इसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, इसकी सरफेस पे चले जाएंगे इस तरह से, समझ रहे हो, बोलो भाई। तो इस तरह से आपने सारा जो लोहा होगा वो इधर चला जाएगा और जो सॉडस्ट है लकड़ी का बुरादा है वो यहीं रह जाएगा। तो किससे, चुंबक का यूज करके करेंगे तो मैग्नेटिक सेपरेशन उसे बोला जाएगा, यानी कि चुंबकीय पृथक्करण, ठीक है। ये बना लेना अपनी साइड में कॉपी में, ये कोई विधि एज इट इज आपने पढ़ी नहीं अपने चैप्टर में, लेकिन कहीं कहीं आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना होता है कि क्या बोला गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण, ओके, नोट करो। अभी तक आपने देखा कि दो चीजों, दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर है आपका, तो आपने उनको इजीली सेपरेट कर लिया। कहीं कहीं पर दो से ज्यादा चीजों का आपका मिक्सचर हो सकता है, फिर आप कैसे सेपरेट करेंगे। तो ऐसा ही एक एक है आपके पास, फोर्थ लिखो, फोर्थ लिखिए, वीट शुगर एंड हस्क, वीट शुगर एंड हस्क, यानी कि गेहूं है, चीनी है और भूसा है एक साथ। तो अब ये एक ही बार में एक ही विधि से तो अलग होगा नहीं, क्योंकि गेहूं और चीनी भारी है, भूसा आपका हल्का है, ठीक है। तो अगर आप विनोइंग का प्रयोग करते हैं तो भूसा अलग हो जाएगा, लेकिन गेहूं और चीनी अभी भी साथ में, तो उनको कैसे सेपरेट करोगे। तो यहाँ पर आपको दो विधियों का प्रयोग करना होता है। पहला लिखिए, विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हस्क, ठीक है ना, भूसा अलग हो गया लेकिन दो कंपोनेंट अभी भी साथ में है। देन आप लिखेंगे, चीनी और गेहूं का आकार अलग अलग होता है, गेहूं थोड़ा बड़े कण होते हैं, चीनी आपका आपकी छोटे क्रिस्टल्स होते हैं चीनी के, ठीक है ना। तो इसमें सीविंग का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है ना। सीविंग इज यूज्ड टू सेपरेट वीट एंड शुगर, चीनी और गेहूं को पृथक करने के लिए हमने किसका उपयोग किया, यहाँ पर सीविंग का प्रयोग किया। यानी तो पहला आपका क्या है, पहला है ओसाई, ओसाई द्वारा भूसे को अलग किया जाएगा, यानी पृथक किया जाता है, एंड दूसरा है चालन, चालन चालन के द्वारा, चालन के द्वारा आपका गेहूं व चीनी को पृथक
पृथक किया जाता है। ठीक है, समझ आया? देखो, बहुत ज्यादा आपको ऐसे प्रश्नों में घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मिश्रण में तीन कंपोनेंट्स आ गए तो अब क्या होगा, या फिर हम एक ही विधि का प्रयोग करते हैं। अरे, एक विधि का प्रयोग करेंगे तो एक विधि के प्रयोग करने से एक ही कंपोनेंट हमारा अलग होगा, बाकी दो तो एक साथ है ना, हमें तो तीनों को अलग अलग करना है ना। हम गेहूं और चीनी को एक साथ तो पका नहीं सकते हैं। गेहूं का हम आटा बनाएंगे, चीनी को हम दूसरी चीजों में यूज करेंगे। दूसरा, भूसा तो हमें चाहिए ही नहीं, उसका प्रयोग तो हम किस लिए कर रहे हैं? केटल फॉडर के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि पशुओं के चारे के लिए कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। उसका उपयोग हमारे लिए कुछ है नहीं, खाने योग्य वो चीज है नहीं, तो वहां पर हम तीनों को अलग करना आवश्यक है। तो बोला कि सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, भूसे को अलग कर लेते हैं, क्योंकि विनोइंग के द्वारा वो अलग हो जाएगा। अभी बच जाता है गेहूं और चीनी, तो उसको हम क्या, क्योंकि कणों का आकार अलग अलग है, तो हम उसको छान लेंगे, यानी कि छानना, चलनी का प्रयोग करेंगे, चालन विधि का प्रयोग करेंगे। तो सीव जो है, चलनी या छलनी जो है, उससे जो छोटे आकार के कण होंगे वो एक साइड आ जाएंगे और बड़े आकार के कण उसी में फंस जाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से। चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट लिखो, फिफ्थ। मिक्सचर ऑफ राइस ग्राम एंड आयरन फिलिंग, आयरन पाउडर जिसको आप बोल रहे थे ना, वैसे ही समझ लो, लोहा है। ठीक है, ग्राम क्या है आपकी, चिकपी भी आप जिसको कहते हैं, यानी कि चना दाल बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ राइस, एक चावल है आपका, उसमें चना दाल है और आयरन फिलिंग है, तो इन तीनों को आप कैसे सेपरेट करेंगे? चावल है आपका, चावल के साथ क्या है, चने की दाल है, और साथ में क्या है, लोहे का चून है, ठीक है ना, और लोहे का चून, मान लो कि ये तीनों चीजें हैं आपकी। इन तीनों को कैसे सेपरेट करोगे? सबसे पहले क्या यूज करेंगे बोल लो? सबसे पहले मैग्नेटिक सेपरेशन यूज किया जाएगा, है ना, मैग्नेट यूज करोगे। मैग्नेट का तो प्रयोग हो गया, लेकिन विधि क्या हो गई? मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट आयन फिलिंग। ठीक है, लिखो, चुंबकीय पृथक्करण का प्रयोग लोहे के चूर्ण को पृथक करने में किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब क्या करोगे, अब क्या रहेगा,
चावल और दाल एक साथ रह गई, अब उसको कैसे सेपरेट करोगे? चावल में आपने कभी कभी देखा होगा दाल होती है जैसे आपकी, तो आप क्या करते हैं बताओ? हैंड पिकिंग का यूज करेंगे, हाथ से उठा करके उसका उसको अलग करेंगे, ठीक है ना? और अगर पार्टिकल के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तब क्या किया जाएगा? सीविंग का प्रयोग भी किया जा सकता है, ठीक है? चलिए, सेकेंड लिखो, राइस एंड ग्राम कैन बी सेपरेटेड राइस एंड ग्राम कैन बी सेपरेटेड इधर बाय सीविंग और बाय हैंड पिकिंग। ठीक है? देखो, चालन अथवा हस्त चयन के प्रयोग से चावल व चावल व चने को पृथक किया जा सकता। ठीक है? जीजीआईसी पागलपुर माँ, आपको आवाज आ रही है? हैंड रेस करो बच्चों, आवाज आ रही है तो हाथ उठाइए अपना। पागलपुर माँ, वेरी गुड। माइक ले लो अपना कोई बच्चा। कोई भी बच्चा अपना माइक ले लीजिए जल्दी से। पागलपुर माँ, माइक ऑन करो अपना। पागलपुर माँ, मैम गुड बोलो। मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? भावना मैम भावना। कौन सी क्लास में है आप? मैम सिक्स। सिक्स्थ में है। कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? मैम पता नहीं मैम, मैं यहाँ पे पढ़ा आपने? कभी अभी ज्वाइन किया अपनी क्लास? मैं अभी आई हूँ मैम, इसलिए मैम। ठीक ठीक है, चैप्टर चल रहा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी पदार्थों का पृथककरण। सब्जेक्ट तो पता है ना, कौन सा सब्जेक्ट है? यस मैम। ठीक है, पता है। मेरा प्रश्न है आपसे कि अगर रेत है, रेत देखिए सैंड, यस मैम। उसमें हम लोहे का पाउडर बना के डाल दें, उन दोनों को मिला दें, ठीक है? या कोई भी कारण से वो दोनों चीजें, रेत भी और लोहे का पाउडर भी एक साथ मिल गया है, तो हम उन दोनों को अलग कैसे करेंगे, बताओ? कैसे कैसे अलग करेंगे? रेत को लोहे में मिला के कैसे अलग करेंगे मैं आपसे मैम? क्वेश्चन कर रही हूँ बेटा। हाँ बोलो। यस मैम। रेत कुछ तो गुण होगा, लोहे में कोई एक गुण होगा, रेत में कोई एक गुण होगा, जिसकी वजह से हम उनको अलग कर सकते हैं। लोहे में हाँ, लोहे में क्या गुण है? मैम रस्सी से रस्सी से कैसे अलग करेंगे?
चलो ठीक है, बैठ जाएंगे। थैंक यू मैम। दिक्तोली आप आंसर करेंगे, जल्दी से माइक ले लो अपना। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था, भावना ध्यान से सुनेंगे। लोहा क्या होता है आपका? चुंबक से चिपक जाता है, ठीक है ना? तो आप वहां पे चुंबक का यानी मैग्नेट का प्रयोग करेंगे। जब मैग्नेट को उस मिक्सर के पास ले जाओगे ना चुंबक को, तो उस चुंबक पे क्या होगा, लोहा आपका चिपक जाएगा और रेत वहीं रह जाएगी। तो चुंबकीय पृथक्करण का हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर रहे थे। वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन आज के सेशन में भी करे, इतने क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिए हैं। तो उनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना? आने वाले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स, नए प्रश्नों के साथ हम आएंगे, और तब तक के लिए आईसीडी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।